स्वागत है अपने YouTube चैनल के अंदर। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है गाइस, ठीक है। और ये जो फ़ोन गाइस हमारे पास रिपेयर में आया है ये एक टेक्नीशियन का फ़ोन है और उनसे ये जो फ़ोन है ना वो डेड हो चुका है, ठीक है। प्रॉब्लम एक्चुअली इसके अंदर लाइट की थी। मैं पहले एक बार सेट को आपको दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर प्रॉब्लम लाइट की थी, उन्होंने गाइस लाइट के ऊपर काम किया है और फ़ोन जो है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, उन्होंने लाइट के ऊपर काम किया है, अब क्या हो रहा है फ़ोन ऑन ही नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल डेड हो चुका है। तो उन्होंने मुझे रिपेयर के लिए दिया है, ठीक है। अभी गाइस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़ोन को इसको परफेक्ट करता हूँ और एक बार आपको पहले USB चार्जर के ऊपर जो कितनी इसकी एम्पेयर या फिर क्या कंज्यूम करता है वो चीज़ मैं पहले आपको दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं एक सेकंड यहाँ पे जो है पहले आपको एक बार चेक कराता हूँ। देखो गाइस ये हमारा USB चार्जर है और यहाँ पे चार्जिंग पहले फ़ोन को लगाएंगे और देखेंगे चार्जिंग कितना ले रहा है हमारा। तो देखो गाइस यहाँ पे हमारा USB चार्जर है और यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं फ़ोन को एक बार पहले चार्ज में लगा देते हैं। गाइस देख सकते हो गाइस हमने जैसे फ़ोन को चार्ज में लगाया तो यहाँ पे कोई भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, एक बार मैं केबल निकाल देता हूँ और फिर से लगा के देखता हूँ, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हो अभी कोई भी एम्पेयर यहाँ पे कंज्यूम जो है वो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी फ़ोन डेड कंडीशन पे बना हुआ है, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ से चार्जिंग बाहर निकाल देते हैं और गाइस अभी एक बार इसको हम DC मशीन के ऊपर चेक कर लेते हैं, DC मशीन की जो रीडिंग है वो क्या ले रहा है और DC मशीन की रीडिंग से जो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ से, ठीक है। देखो गाइस वैसे भी ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये फ़ोन जब उन्होंने लाइट का कॉइल चेंज कर रहे थे तो लाइट के कॉइल चेंज करने की वजह से जो ये फ़ोन डेड हो चुका था, उनका जैसा कहना, बाकी खैर हम चेक करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये हम DC मशीन पर आ चुके हैं और ये हमारा बूट केबल, तो सिंपली हम इनकी बैटरी को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे केबल को लगा के हम गाइस इनकी जो पावर की है उसको करेंगे प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो कुछ इस तरीके से चिमटे के मदद से इनकी गाइस पावर की को हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि DC जो रीडिंग है ना वो यहाँ पे 19 रीडिंग जा रहा है, आप देख सकते हो 19 जा रहा है और मैं इसको जैसे रिलीज करता हूँ तो ये 0-0 हो जाता है, ठीक है। चलो एक बार फिर से करता हूँ, देख सकते हो अभी 20 गया, ये देखिए 20 गया, अभी जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ 0-0 हो जाता है, ठीक है। तो यही गाइस प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है और फ़ोन हमारा जो है वो कंप्लीट डेड है, ठीक है। तो गाइस इसकी हम करेंगे गाइस CPU को रिपेयर और CPU को रिवॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम CPU के वजह से आया है और CPU पे हीट लगने के वजह से ये प्रॉब्लम गाइस इसके ऊपर क्रिएट हुआ, ठीक है। तो चलो गाइस सीधे चलते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, इसकी जो CPU है उसको निकालते हैं, रिवॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं गाइस सेट ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड।
असेंबली फैन यहाँ पे जो है हमने इसके सीपीयू को गाइस रिवॉल्व कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि इसकी जो सीपीयू गाइस उसको हमने यहाँ पे रिवॉल्व कर दिया है। ठीक है गाइस, और अभी मेन हम चेक करेंगे कि ये जो सेट गाइस डेड कंडीशन पे था, ऑन नहीं हो पा रहा था, इस तरीके की रीडिंग थी आपने देखा था डीसी मशीन के ऊपर, तो ये तो सीपीयू से प्रॉब्लम था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पर कॉइल लगाने के वक्त जो है ये फ़ोन डेड हो चुका था, वो एक टेक्नीशियन का हमारे पास रिपेयर में आया था। चलो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो सेट है वो गाइज यहाँ पर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ़ोन को यहाँ पर फिट कर देते हैं, ठीक है, और इस तरीके से सिंपली हम लगा के एक बार सेट को जो है वो गाइज ऑन करके देख लेते हैं गाइज। ठीक है, तो इसके लिए जो है जहाँ पे हम इसको चिमटे के मदद से जो है वो शॉर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार चिमटे के मदद से शॉर्ट करता हूँ इसको। तो गाइज़ यहाँ पे हमने शॉर्ट करा, देखो फ्रेंड यहाँ पे फ़ोन हमारा वाइब्रेट हुआ। अब देख सकते हो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेट है गाइज़ वो हमारा ऑन भी हो गया, ऑन भी हो गया, प्लस लाइट भी इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके ऊपर कॉइल लगने की वजह से जो ये फ़ोन डेड हो गया था। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि सेट जो है वो हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे लाइट भी आ चुकी है। हम थोड़ा सा गाइस वेट करेंगे, देखेंगे सेट हमारा कंप्लीट ऑन होता है या फिर नहीं होता है गाइस। ठीक है, देखो फ्रेंड हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी चीज़ें मेरे पास आती है, हम हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो भी चीज़ें हमारे पास आती है वो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम रिपेयर में आता है वो आपके लिए ईजी हो जाए और थोड़ा सा रिपेयर आप सही तरीके से कर पाओगे या प्रॉब्लम समझने के बाद। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे सेट ऑन हो रहा है। अगर वीडियो गाइस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गाइस देख सकते हो सेट यहाँ पे गाइस ऑन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे गाइस काम जो है वो हमारा कर भी रहा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक बार मदरबोर्ड और दिखा देता हूँ गाइस। देखो मैं जो भी बनाता हूँ ना क्लियर गाइस, ठीक है, जो भी है ना सब कुछ क्लियर रहता है। आप देखो गाइस ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे। ठीक है गाइस, चलो फ्रेंड अब हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।